A very good morning to you all. I welcome to you all in our SST class. Students, before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous topic. A large flat and fertile land is known as plain. Deposition of clay, sand and mud is known as alluvium. The three main rivers of northern plains are River Ganga, Satluj and Brahmaputra. Let's start with the Satluj Basin. As you all know, the name of our chapter is the Northern Plain. Northern Plain ka matlab hai Uttar ka maidani bhag. Isme aaj hum padhenge the Satluj Basin. Satluj river ka naam hai, basin ghati, theek hai? To Satluj ghati ke bare mein aaj hum padhenge. So let's start. The western part of the plains around the river Satluj is called Satluj Basin. Satluj nadi ke kinare ka jo western means पश्चिमी, सतलुज नदी के किनारे का जो पश्चिमी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, सतलुज बसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सतलुज बसिन के वेस्टर्न पार्ट में जितना भी प्लेन एरिया है उसे हम सतलुज बसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज रिवर ब्यास इज द मेन ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ रिवर सतलुज। सतलुज रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है उसका नाम क्या है, रिवर ब्यास, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सतलुज रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है उसका नाम क्या है, रिवर ब्यास है, ठीक है। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर्ड फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब तथा हरियाणा जो हमारे राज्य हैं, वहां पर पानी की जितनी भी सप्लाई है वो किन दो नदियों के द्वारा होती है, वो सतलुज नदी तथा उससे जुड़ी हुई जितनी भी मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर है उनके द्वारा ही पंजाब तथा हरियाणा में पानी की जितनी भी पूर्ति है वो की जाती है। द मेन सिटीज ऑफ सतलुज बसिन आर चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला एंड अम्बाला। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला एंड अम्बाला ये जितने भी शहर हैं ये सतलुज बसिन या सतलुज घाटी के में पड़ने वाले कुछ मुख्य शहरों के नाम हैं। स्टूडेंट्स, प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज द रिवर कैरीज सिल्ट, मड एंड सैंड विद इटसेल्फ व्हेन इट फ्लोज एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक्स। जब नदी अपने साथ सिल्ट, सैंड बहाकर लाती है तो वो उसे अपने किनारों पर इकट्ठा करती रहती है, इसीलिए जो नदियों का किनारा होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। सो वहाँ का जो मुख्य ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग या एग्रीकल्चर होता है। सतलुज बसिन के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनका भी मुख्य ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, ठीक है। फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड्स बाय दीज रिवर्स। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों की सिंचाई रिवर सतलुज तथा उनकी ट्रिब्यूटरी नदियों के द्वारा लिए गए पानी से करते हैं, ओके। इरिगेशन का मतलब होता है, इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना। वीट यानी गेहूं, वीट यहाँ की मुख्य फसल है एंड अपार्ट फ्रॉम वीट राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। वीट के अलावा राइस, कॉटन एंड शुगर केन भी यहाँ पर उगाया जाता है। भाखरा डैम हैज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। सतलुज नदी के ऊपर भाखरा डैम बनाया गया है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो भाखरा डैम है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तथा इरिगेशन के लिए वाटर या पानी उपलब्ध कराता है। नाउ लेट्स नो अबाउट डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रिब्यूटरी। अभी हम जानेंगे कि डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर। पानी के द्वारा बनाई गई बिजली को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन अ बिग रिवर। ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदी होती है जो आगे चल के किसी बड़ी नदी को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है या किसी बड़ी नदी से आगे जाकर मिल जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ डैम? अ वॉल बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द वॉटर फॉर मल्टीपर्पज यूज। जब किसी नदी के पानी को रोकने के लिए वहां पर दीवार बना के उस नदी के पानी को रोक दिया जाता है और उस पानी का यूज मल्टीपर्पज कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि
बिजली बनाना, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, ठीक है, मछली पालन करना, इस तरह के विभिन्न कार्यों के लिए जब उस पानी का यूज किया जाता है, उस पानी का यूज करने के लिए डैम बनाया जाता है, नदियों के पानी को रोका जाता है, उस पानी को इकट्ठा किया जाता है और उससे मल्टीपर्पज यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो डैम होता है वो बेसिकली नदियों के पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 3 डेफिनेशंस, इन्हें आपको लर्न करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में लर्न करके लिखना है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द लाइफ इन सतलुज बसिन। अब हम सतलुज घाटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। द सतलुज रिवर फ्लोज द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलुज नदी है वो पंजाब और हरियाणा राज्य से होकर गुजरती है या पंजाब तथा हरियाणा राज्य से होकर बहती है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बोथ। चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। द अदर मेन सिटीज ऑफ दिस रीजन आर जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर। इस क्षेत्र में पढ़ने वाले या सतलुज बसिन क्षेत्र में पढ़ने वाले कुछ मुख्य शहर हैं जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर। अमृतसर इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। आप सभी ने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। ये कहाँ पर है? अमृतसर में है। सो अमृतसर इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। अगर अमृतसर इतना फेमस है तो उसका रीजन है क्या? गोल्डन टेम्पल है। ओके, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन इज फार्मिंग। इस रीजन में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग या कृषि। फार्मर्स यूज मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग। पंजाब तथा हरियाणा के लोग कृषि या किसानी करने के लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एंड हार्वेस्टर्स आर यूज ड्यूरिंग द फार्मिंग। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर जो कि आपको पता है फसल काटने के समय काम में आता है, तो यहाँ के लोग ट्रैक्टर, ट्यूबवेल एंड हार्वेस्टर का यूज करके कृषि करते हैं। कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द अदर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल पंजाब एंड हरियाणा। कैटल रेयरिंग का मतलब पशुपालन होता है, डेयरी फार्मिंग का मतलब दुग्ध व्यवसाय होता है। तो कृषि के अलावा पशुपालन तथा दूध का काम भी या दूध का व्यवसाय भी वहाँ के लोग करते हैं। वहाँ के लोग मेनली जो लैंग्वेजेस बोलते हैं वो है हरियाणवी, पंजाबी एंड हिंदी। द पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्पीक मोस्टली पंजाबी, हरियाणवी एंड हिंदी। ओके, द मेन फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व एंड दिवाली। दीज आर द मेन फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। नाउ कम ऑन द फोक डांस। फोक डांस को हम लोक नृत्य बोलते हैं। पंजाब एंड हरियाणा के लोग मेनली भांगड़ा एंड गिद्दा परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई उनका रिलीजियस फेस्टिवल होता है, उनके यहाँ कोई वेडिंग्स होती हैं, शादियां होती हैं या कोई खुशी का मौका होता है, तो वो मोस्टली भांगड़ा एंड गिद्दा परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ हियर इज योर होमवर्क। यू ऑल हैव टू राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस 2 टाइम्स इन योर होमवर्क कॉपी एंड लर्न इट। आप सभी को इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके 2 बार अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द डैम बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज। सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, आपको उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिवर सतलुज फ्लोज थ्रू विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द फोक डांस ऑफ पंजाब एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ डैम। डैम क्या होता है ये आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस होमवर्क यू ऑल हैव टू अंडरलाइन ऑल द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर एंड राइट देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी इन योर बुक। कीप स्माइलिंग, बी सेफ, स्टे एट योर होम एंड डू योर स्टडीज वेल।